5 साल में पहली बार केशव मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी। आखिर क्या वजह रही और क्या खत्म होंगी तल्खियां? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन से कारण थे कि योगी को केशव के घर जाना पड़ा। दरअसल भाजपा में पिछले कई दिनों से जो उठापटक मची हुई है वो जग जाहिर है। अचानक से कई ऐसी चीजें हो रही है जो अप्रत्याशित है। सीएम योगी का दिल्ली जाना और संगठन का यूपी में इतना ज्यादा सक्रिय होना ये दर्शाता है कि केंद्र यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर चिंतित है और वो अभी से इस चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुके हैं। यूपी में भाजपा खेमे में सबसे बड़ी खबर सामने तब आई जब सालों साथ काम करने के बाद पहली बार राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इन दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही थी। ये बात भी जग जाहिर है कि इन दोनों नेताओं के बीच पिछले लंबे समय से सब कुछ ठीक नहीं रहा। आपको बता दें कि यूपी भाजपा के इन दोनों बड़े नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव की खबरें अक्सर सामने आई। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच आपसी मनमुटाव कई बार खुलकर भी सामने आ गए। कुछ समय पहले ही आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान केशव मौर्य ने कहा था कि यूपी में सीएम का चेहरा दिल्ली ही तय करेगा। चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं। चेहरा कौन होगा 2022? सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको देना है। आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो तो इस मनमुटाव का बड़ा कारण है कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव मौर्य की अध्यक्षता में ही बीजेपी ने यूपी में शानदार जीत हासिल की थी। उस दौरान ये माना जा रहा था कि केशव ही अगले सीएम होंगे, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी सौंप दी थी। तब केशव को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा था। डिप्टी सीएम होने के बावजूद केशव को कम तवज्जो दी जाती रही। यूपी सरकार में ये माना जाता है कि योगी गुट के लोग हमेशा हावी रहते हैं। कहा जाता है कि केशव अपने मन से अपने ही विभाग के अफसरों को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ट्रांसफर के लिए डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इससे केशव सरकार में होने के बावजूद खुश नहीं थे। ऐसे में उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना होगा कि बाहर आकर केशव प्रसाद मौर्य योगी के पक्ष में बयान देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।